आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, आपके पास जॉब है, सैलरी भी ठीक ठाक है या कम है, लेकिन आपको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपको फॉरेन में जाके जॉब करना है, ठीक है, और अच्छी सैलरी कमानी है, वहां के अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं काफी सारे बोनस टिप्स प्लस रियल लाइफ एग्जांपल प्लस एक्चुअल डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट डाइव इन टू इट। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक कोट आपके सामने साझा करने वाला हूँ। वो कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी आपको पता है बहुत बड़े ग्रेट स्पीकर है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सो उनका कोट है, इन माय ओपिनियन इफ ऑल अवर रिच एंड एजुकेटेड मेन वंस गो एंड सी जापान देयर आईज विल बी ओपन। ओके, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इंडिया के जो भी रिच और एजुकेटेड लोग हैं, जो एक बार अगर जापान जाके आए, देयर आईज विल बी ओपन। ओके, सो यहाँ पे रिच का मतलब क्या है? रिच डजंट मीन कि आपके पास पैसे होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक और कोट में मेंशन किया है कि अ मैन इज पुअर इफ ही डोंट हैव एनी एम्बिशंस और एम। सो जिसके पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, जिसके पास कोई एम नहीं है, एम्बिशन नहीं है, वो आदमी गरीब है, वो पुअर है। सो जिसके पास एम्बिशन है, जिसके पास कुछ करने की इच्छा है, कुछ हटके करना है उसके उसको उसकी लाइफ के साथ, तो वो आदमी रिच है, ठीक है। सो अगर आप उस उन कैटेगरी में से एक कोई हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली जापान को एक बार विजिट करना चाहिए। योर आईज विल बी ओपन। आप कुछ ऐसी चीजें देखोगे जो आपने कभी इमेजिन नहीं की होगी, आप कभी उस चीजों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो इतना बड़ा आदमी अगर ये कोट एक कंट्री के बारे में, स्पेशली जापान के बारे में अगर बोलता है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ मीनिंग एसोसिएटेड है। तो वो क्या मीनिंग होगा, वही आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। सो बिफोर गोइंग इन टू द टॉपिक, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड कौन से है। सो विकिपीडिया का डेटा है, 2021 का डेटा है। सो यू कैन सी टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पे है, और जो जापान की दो इंपॉर्टेंट कंट्री है, सो आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे यहाँ पे है ओसाका और फिफ्थ नंबर पे है टोक्यो। सो टॉप 5 में जापान जैसे कंट्री की दो सिटीज हैं। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन, आपको क्या इससे सीख मिल सकती है, ठीक है। तो अगेन इसके रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, लेकिन आपको अगर परमहंस योगानंद पता है तो उनकी बहुत फेमस कोट है, एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। आपके विल पावर से स्ट्रांग है आप कौन से एनवायरमेंट में रहते हो, आपके आजू बाजू का क्या माहौल है। अगर तो इमेजिन कीजिए जस्ट कि अगर आप जापान के कोई भी टोक्यो या ओसाका सिटी में अगर रहते हो, तो आपको कैसा एनवायरमेंट मिलेगा। अगर आपको ऐसा एनवायरमेंट मिलता है, तो आपकी विल पावर, आपकी जो भी इच्छा है, आकांक्षा है, उससे ज्यादा आपको ये एनवायरमेंट सपोर्ट करेगा आपके करियर में, आपके फ्यूचर ग्रोथ में, ठीक है। सो मोस्ट लिवेबल कंट्रीज फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जहां पे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारा अच्छा एनवायरमेंट, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेगी इस दो सिटी में, और वो भी है जापान में। सो मैं एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी मेरे फ्रेंड के साथ हुई है। ओके, सो ये स्टोरी ऐसी जाती है कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल टीसीएस, में कंपनी का नाम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन टीसीएस नाम की कंपनी है। ओके, टीसीएस जैसी ही कंपनी है, एमएनसी कंपनी, इंटरव्यू पैनल है, दे आर गोइंग टू हायर फ्रेशर। ओके, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी ग्रेजुएट जो भी होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे उस कॉलेज में जाते हैं। देन उनके पास अभी दो ऑप्शंस हैं। ओके, सो बेसिकली दे हैव टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, जिनको बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, सिमिलर टेक्निकल नॉलेज है, उनके एकेडमिक्स भी अच्छे हैं, मतलब उनकी जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, या ग्रेजुएशन में काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं, और दोनों को ही अच्छे मार्क्स मिलने के बाद उनका टेक्निकल भी अच्छा है। स्टूडेंट ए जो है वो फर्स्ट क्लास है, स्टूडेंट बी जो है वो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन है, तो कुछ ज्यादा ग्रेड स्टूडेंट बी के हैं। और अभी उनका जो बजट है, या फिर उनको कंपनी के ग्रोथ करने के लिए जो एक बजट एलोकेट किया, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे वांट टू टेक एज एन एम्प्लॉय, वो एक कुछ लिमिट रहता है। ओके, सो
लास्ट जब राउंड होता है तो उस केस में दे हैव ओनली वन ऑप्शन. सो ऑप्शन ए बेसिकली आउट ऑफ टू स्टूडेंट ए एंड बी दे वुड लाइक टू सिलेक्ट ओनली वन स्टूडेंट. ओके सो दे डिसाइडेड टू गो विथ कैंडिडेट ए इवन इफ दैट कैंडिडेट डज नॉट हैव फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन नहीं है तो भी वो कैंडिडेट ए का सिलेक्शन क्यों करते हैं टीसीएस जैसे एमएनसी कंपनी में. ऐसी क्या स्किल होगी उस कैंडिडेट के पास जिसकी वजह से उसका उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया. ओके व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा स्किल. सो वो स्किल था फॉरेन लैंग्वेज. ओके फॉरेन लैंग्वेज सुन के आपको मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में आई होगी लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूँ इसमें. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी चेंजेस बट लैंग्वेज डजंट. व्हाट डज दैट मीन टू अस. देखिए आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं आजकल काफी कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे अवेलेबल है आप वो कोर्स सीख सकते हो और फिर बाद में वो जब कोर्स जो टेक्निकल हो स्पेशली उसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब 3 years, 5 years, 6 years नई टेक्नोलॉजी आ जाती है. सो आपने जो भी नॉलेज सीखा वो आपको अपग्रेड करना पड़ता है काफी बार आपको फिर से नया कुछ सीखना पड़ता है. सो अगर ये स्मार्ट तरीका हो सकता है अगर आप कोई चीज एक बार सीखे और उसको कंटिन्यूअसली यूज करे विदाउट स्पेंडिंग टाइम इन अपग्रेड दिस विल बी बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर करियर. बिकॉज उसके बाद अगर आपने एक नॉलेज सीख ली अगर आपने एक नॉलेज आपके ब्रेन में डाल दी तो आपको फिर से उसको अपग्रेड करने की बहुत बार जरूरत नहीं है. सो टेक्नोलॉजी चेंज होती है लेकिन लैंग्वेज चेंज नहीं होती. तो इस स्पेशली इस केस में मैं बोल रहा हूँ फॉरेन लैंग्वेज. ओके सो अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो कौन सी सीखे. ठीक है तो फॉरेन लैंग्वेज आप डेवलप कंट्री की सीखना मैं प्रेफर करूंगा जैसे कि जापान हो गया जर्मनी स्पेन. सो इंडिया में काफी सारा अवेयरनेस भी है लेकिन स्टिल लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए. ओके सो बिफोर गोइंग इन टू कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए थोड़ा सा हम वाई जापान बेसिकली जापान के बारे में थोड़ा सा जान के लेते हैं. आप सबको पता है जापान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी जब उनके पास वर्ल्ड वॉर टू के बाद एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी. ठीक है लेकिन ये लोग जो है जापानीज लोग बहुत हार्ड वर्किंग है बहुत हॉनेस्ट है अपने वर्क की तरफ. सो उनकी इकोनॉमी अभी वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. ओके सो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब यहाँ के लोगों का जो स्पेंडिंग है मतलब द अर्निंग पावर एंड स्पेंडिंग पावर इज क्वाइट हाई जो कि वर्ल्ड में नंबर 3 पे आती है दोस्तों. ठीक है जापान आपको पता है नंबर 1 इन रोबोटिक्स है. आजकल सब माहौल एआई वगैरह जो चल रहा है ना वो जापान ने काफी पहले से डेवलप कर चुका है और वो रोबोटिक्स में बहुत पावरफुल है. देन आपको पता है किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज आपके घर में होगी जैसे कि सोनी हो गए कैमरा हो गया डीएसएलआर कैमरा निकॉन वगैरह ये सब जापान ने सबसे पहले इन्वेंशन किया है जापान ने डेवलप किया है. ठीक है तो प्रोडक्ट ऑफ मेड इन जापान एक कुछ वैल्यू ऐड करता है. और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में कोई भी कार देख लीजिए आप सुजुकी हो गई या टोयोटा हो गई होंडा हो गई. सो ये सारे जो कंपनी ये जापान की है और एक्चुअली जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी है और काफी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है. जापानीज जैसे मैंने बोला कि मोस्ट हॉनेस्ट पीपल यू कैन फाइंड ऑन अर्थ आर जापानीज पीपल. और जापान ऐसा जैसे जो बस टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागता दैट ऑल्सो ड्राइव्स टू यू विथ टूरिस्ट अट्रैक्शन. So the best combination of technology and nature, then Japan is the only answer which I feel. ठीक है top class customer service है Japan में. कोई भी अगर आपको problem आता है Japan में या आपको कोई service लेनी है Japan में तो आपको you will feel like a king because they give that kind of service in Japan. Bullet train again India में अभी just start हुआ है लेकिन जापान ने काफी साल पहले ऑलमोस्ट नियर टू इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पे जापान ने बुलेट ट्रेन का इन्वेंशन करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया था. ऐसी इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट जीरो हुई थी उसकी क्या ग्रोथ हुई होगी क्या उन लोगों ने हार्डवर्क किया होगा और कैसे उन लोगों ने अपने प्रोसेस सेट किए होंगे टू इम्प्रूव देयर कंट्री. दिस इज वॉट जापान इज ऑल अबाउट एंड ये लिस्ट बहुत बड़ी है. सो आपको मैंने की पॉइंट्स बताए. सो जापान के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चल गया लेकिन अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या. ठीक है अपॉर्चुनिटीज है या नहीं जापान में अभी स्पेशली आपको मुझे या इंडियंस को क्या अपॉर्चुनिटी है जापान में. ओके सो जापान में एक्चुअली नॉट ओनली ग्रेजुएट्स बट काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप और डिपेंडिंग ऑन एजुकेशन आपने क्या लेवल तक अपने कहाँ तक पढ़ाई की है उसके लेवल से जापान में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. सो मैं एक हाई लेवल आपको बता देता हूँ
कि 10th इंडिया में जैसे 10th पास स्टूडेंट है, ओके 10th जिन्होंने पास किया उनके लिए TITP प्रोग्राम होता है जापान में, उसको बोलते हैं टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है, जापान गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करता है और आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, पूरा खर्चा जापान गवर्नमेंट आपका आने जाने का उठाती है। देन नेक्स्ट सबसे बहुत कॉमन और सबका हॉट टॉपिक, जो भी बीए और ग्रेजुएट, बीई और ग्रेजुएट है या बीए है बीकॉम है कोई भी, उसको आईटी फील्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। हाँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, जैपनीज कंपनी आपको हायर करके ऑन बोर्ड ट्रेनिंग देगी, पूरा सिखाएगी और आपको जॉब के लिए एनरोलमेंट, आपको जॉब एक्चुअल करने में हेल्प करेगी। देन अगर कोई लेडीज है जिनको नर्सिंग और टूरिस्ट में इंटरेस्ट है तो उनके लिए काफी सारी जापान में अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज जापान में ओल्ड एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, स्पेशली नर्सिंग के केस में हम बोलते हैं तो ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनकी टेक केयर करने के लिए बहुत सारे यंगस्टर्स स्पेशली यंग नर्स की बहुत जरूरत है जापान में। देन अगेन लैंग्वेज एज अ करियर, अगर आपको ऐसा लगता है जापानीज लैंग्वेज सीखे क्योंकि मुझे इस लैंग्वेज में ही करियर करना है, वो भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके करियर में, बिकॉज जापान अभी तक इतना ग्लोबलाइज नहीं हुआ है, बिकॉज जापान एक आयरलैंड है, तो जापान काफी सारी कंट्री से वैसे देखा जाए तो जियोग्राफिकली डिस्कनेक्टेड है। सो अगर जापान को ग्लोबलाइज होना है सो दे नीड टू गेट फॉरेनर्स, दो फॉरेनर्स कौन, जिनके पास अच्छा इंग्लिश स्किल है, जिनके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है और जो यंग है। मैं बार बार ये यंग क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़े ही देर में उसका आंसर देने वाला हूँ, लेकिन टू द टॉपिक अपन फिर से आते हैं टॉपिक पे, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, जैसे कि 10th पास है या 12th पास हो तो जापान ने काफी सारी फ्री में स्कॉलरशिप ऑफर की है कि एशिया खाकेशी प्रोग्राम है, ठीक है, दिस कंसिडर द ब्रिजिंग बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप होती है जापान गवर्नमेंट से, मैक्स स्कॉलरशिप भी इसको आप कह सकते हैं। ओके सो ये हो गया आपको क्या क्या जापान में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कौन से एरिया में आप अपना करियर ट्राई कर सकते हैं जापान में या आप सोच सकते हैं। अभी व्हेन यू डिसाइड कि मुझे इस करियर में जाना है, लेकिन उस करियर में रियली अपॉर्चुनिटी है, रियली कितनी ग्रोथ है, हाँ जरूर, इस पॉइंट पे भी हम ध्यान देते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स, तो इसके लिए मैं एक आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ कि NDTV जो है उनका एक आर्टिकल इसमें आप देख सकते हो कि फॉर एवरी 1000 जॉब्स देयर आर ओनली 67 कैंडिडेट इन जापान। व्हाट डज दैट मीन, इसके दो मतलब निकलते हैं, 100 जॉब के लिए 67 कैंडिडेट जापान में अवेलेबल है, तो काफी सारे जॉब्स जापान में अवेलेबल है, सो ऑलमोस्ट 33% जापान में जॉब अवेलेबल है जहां पे कोई अप्लाई ही नहीं करता। प्लस उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी चाहिए यहाँ पे कि जॉब प्रोफाइल मैचिंग जो है वो बहुत कम होता है। व्हाट डज दैट मीन, जैसे कि आप इंडिया में कोई भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो तो कोई भी जॉब का JD हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, तो उसके लिए आपको वो सारे स्किल्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी कह सकते हैं, लेकिन जापान में ऑलरेडी एक्चुअली जॉब के रिलेटेड अप्लाई करने के रिलेटेड काफ़ी संख्या कम है, इसके वजह से जापान में स्किल मैच इतना नहीं होता। सो व्हाट डज दैट इम्पैक्ट टू अस, सो आपके पास अगर कोई स्किल है लेकिन आप उसमें मास्टर नहीं हो, आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी जापान आपको कंसिडर कर सकता है, बिकॉज जहाँ पे कैंडिडेट्स इतने कम हैं अप्लाई करने वाले, वहाँ पे वो इतना प्रोफाइल मैच नहीं देखते, बिकॉज दे वांट पीपल, दे वांट टू ग्रो देयर इकोनॉमी एंड दे वांट टू रन देयर कंपनी। सो इसकी वजह से जापान में जॉब रिक्वायरमेंट बहुत सारी है और ये बहुत सारी रहेगी अगले कुछ सालों के लिए ओनली, ठीक है। सो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है जापान में 100 लोग 100 बेसिकली जॉब है और 67 लोग ही क्यों अप्लाई कर पाते हैं उसमें, सो बिकॉज जापान इज फेसिंग अ बिग 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 प्रॉब्लम। सो वो प्रॉब्लम क्या है, यू कैन सी द कंट्री इज फेसिंग द ग्रेटेस्ट स्किल शॉर्टेज, तो जापान में 89% एक्चुअली स्किल शॉर्टेज है। सो व्हाट डज दैट मीन कि जापान में अगर कोई भी जॉब आती है, लेट्स से IT की जॉब है या कॉमर्स के लिए जॉब है या अकाउंटेंट्स के लिए जॉब है, एक्चुअली यहाँ पे लोग ही नहीं है काम करने वाले, यंग एज पॉपुलेशन जापान में बहुत कम है। जापान में वैसे भी कोई भी आदमी ऑलमोस्ट 100 साल वैसे ही उसका लाइफ चलता है, ठीक है, तो जापान में ओल्ड एज पॉपुलेशन काफ़ी है, लेकिन यंगस्टर मतलब नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं हम, किड्स या स्टूडेंट जो होते हैं जो पास आउट होते हैं वो बहुत कम है। रिवर्स हम देखें तो इंडिया में उसकी उल्टी सिचुएशन है, एक्चुअली वी हैव लॉट ऑफ कैंडिडेट्स
लॉट ऑफ यंग पॉपुलेशन, लेकिन जॉब्स उतने नहीं है, जो कि जापान में काफी सारे जॉब्स। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप जरूर इसका फायदा उठाइए। और एक आर्टिकल में बता देता हूँ कि जस्ट फ्यू डेज बैक आई कम अक्रॉस दिस आर्टिकल कि निक्की ऐसे एक जापान का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, तो वो कहता है कि जापान रिक्वायर 4 times मोर फॉरेन वर्कर्स। 4 times, कैन यू बिलीव? अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जहाँ पे 4 times उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ेगी अगर उस कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो। सो कंपनी में कैसे अप्लाई करना है, क्यों आपको वो कंपनी सिलेक्ट करेगी, ये भी मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। सो सबसे पहले जान लेते हैं इम्पोर्टेंट कि आप अगर कोई भी जापानीज कंपनी में जॉब करते हो तो सच में आपको कितना सैलरी मिलती है, कितना आपको वेजेस मिलते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिफोर एंटरिंग इन टू सम करियर थिंग, यू मस्ट नो वॉट वुड बी द आउटकम देयर, देन एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड। ओके, सो मैं एक जस्ट एवरेज आपको बता देता हूँ कि बीई पास आउट स्टूडेंट है, इंजीनियर स्टूडेंट है, उसको अगर इंडिया में जॉब मिलता है अभी के टाइम पे, उस ऑन एन एवरेज 30 to 40,000, 30 to 35,000 उसको पर मंथ इनकम मिलेगा। और उसके बाद लेट से 2-3 years और 4-5 years डाउन द लाइन उसका प्रमोशन हो गया, लेट से वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, उसके बाद लेट से डबल हो गई सैलरी, 60-65 सैलरी उसको मिल जाती है। लेकिन लेकिन अगर आप कैंडिडेट बी हो और बी पास आउट हो लेट से, ओके, और आप जापान में अगर काम करते हो, तो जापान की जो एवरेज मंथली इनकम है अकॉर्डिंग टू दिस साइट, तो वो का ये साइट काफी फेमस है, तो वो बोलता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2,68,000। सो 2.5 लाख मैं बोल सकता हूँ आपकी एवरेज मंथली सैलरी होगी। इजन दैट वंडरफुल, इजन दैट वंडरफुल, टेल मी। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पे टेक्निकल एक्सपोजर बहुत मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले ही कोर्ट में बताया था कि एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपको करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आपको रियली लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग सोच करनी है, कुछ अपनी सोच बदलनी है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको जापान रिकमेंड करूंगा कि बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आई हैव गॉन थ्रू दैट थिंग, सो आई नो इट वेरी वेल। ओके, सो मैंने आपको इतना बताया कि जापान, सो जापान में अगर जॉब करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जापनीज। तो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जापान एक आइलैंड है और जापान में सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो यूज होती है ऑफकोर्स वो जापनीज है। इंडिया में जितना इंग्लिश यूज होता है उसके कंपेरिजन में मैं बहुत परसेंटेज कम दूंगा, जापान में इंग्लिश यूज होता है। सो ये क्या प्रॉब्लम होगी, सो यही प्रॉब्लम इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कैसे? एक तो आपने ऑलरेडी देख लिया कि जापान में जॉब अपॉर्चुनिटी काफी है। सेकेंड थिंग, अगर आपको पता चलता है कि जापान में जॉब कैसे लेना है या जॉब करने के लिए आपको क्या स्किल चाहिए होगी, फॉर एग्जाम्पल जापनीज, सो क्यों जापनीज चाहिए होगी, कि आपको अगर जापनीज कंपनी में सिलेक्ट होना है तो आपको बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिलता है। एज यू नो जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सो जापनीज सीख के आप अगर जापान में आते हो तो आपको बहुत बहुत ईजी हो जाता है जॉब एक्चुअली एक्वायर करने में, और कंपनी को भी बहुत ईजी होता है आपको कुछ ट्रेनिंग देने में। ठीक है, सो अगर आप जापनीज सीखते हो, अगर आप बहुत फोरकास्ट करते हो या फिर बहुत दूर दृष्टि से सोचते हो, तो जापनीज सीखने के बाद आपको अलग अलग एशियन लैंग्वेज भी आने के लिए, जो समझने के लिए ईजी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ताइवानीज हो गई, चाइनीज हो गई, वो लैंग्वेज भी काफी सिमिलर टू जापनीज है। सो नॉट ओनली यू आर गेट लिमिटेड टू जापान, बट आप इस अदर कंट्रीज में भी काफी अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। सो ट्रुमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रुमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा एजुकेशन का ऑप्शन आपको जापान में मिल सकता है। और ये क्यों मिल सकता है, मैं उसकी कुछ बहुत सारी अच्छी हिस्ट्री, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ही और जापान की ऑलरेडी पहले से भी हिस्टोरिकल रिलेशन काफी अच्छे हैं। वीजा रूल्स यूएस के इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल एंड ईजी, स्पेशली फॉर इंडियन बहुत ईजी है। यंग पॉपुलेशन की बहुत डिमांड है, जो कि इंडिया में एक बोल सकता हूँ बहुत पावरफुल हमारे पास मेरिट है। ठीक है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है, जो एक्चुअली सिमिलर टू मराठी या सिमिलर टू हिंदी आप बोल सकते हो, तो जापानी भाषा का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदी और मराठी से काफी सिमिलर है। सो आपको अगर हिंदी अच्छे से आती है तो आप जापानी भी अच्छे से सीखोगे और जल्दी ग्रास करोगे। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। सो प्रॉब्लम जापान का ये है कि लैंग्वेज बैरियर, सो उनको एक्चुअली जापानीज में ही सारी चीजें चाहिए। तो सॉल्यूशन फॉर इंडियंस क्या है, वो लैंग्वेज बैरियर हटाना। हम अगर जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं तो बैरियर हम ब्रेक कर सकते हैं।
अगर उनके पास यंग जनरेशन की पॉपुलेशन नहीं है, हाँ, सो वी हैव यंगस्टर्स लाइक यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। देन अगर कोरोना का इम्पैक्ट अगर देखे जापान में और वर्ल्ड में कोरोना का बहुत इम्पैक्ट हो चुका है, तो जापान ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी इंडिया में शिफ्ट की हुई है, स्पेशली चेन्नई साइड, साउथ साइड में काफी सारी इंडस्ट्रीज प्लांट शिफ्ट किए हुए हैं। तो ये जो शिफ्टिंग है प्लस बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, इस सारी चीजों का आप एडवांटेज ले सकते हैं। कब? ओनली एंड ओनली वेन आपको अगर जापनीज आती है। तो मैं कब सीखूं जापनीज लैंग्वेज? आज से मैं स्टार्ट करूं या कल से स्टार्ट करूं? नहीं, आज को ये लैंग्वेज सीखना अभी से स्टार्ट करना है। ओके, बिकॉज क्यों? आज ही क्यों? मैं कल या नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मेरे कुछ अभी प्लान्स है, आई एम स्टडिंग डिफरेंट थिंग, मैं बहुत बिजी हूँ, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। अभी के अभी आपको क्यों सीखना है? बिकॉज जापान इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आप सबको पता है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, प्लस ग्रेजुएट्स विथ फॉरेन लैंग्वेज हैव गुड चांस इन दिस बिग जायंट आईटी कंपनीज। देखिए, तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको इंजीनियर होना है, आप अगर बी ए भी है, बी कॉम भी है, कोई भी ग्रेजुएशन आपका है, तो TCS, एनटी डेटा, Fujitsu, Accenture, Capgemini में सिलेक्शन होना बहुत इजी हो जाता है एज अ एंट्री एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आपको जापनीज आता है। ये बड़ी कंपनीज आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देके आपको वहां पे जॉब के लिए या फिर एक्चुअल काम करने के लिए भी जापनीज क्लाइंट रेडी करती है, बिकॉज दे नीड इट, दे नीड दोज पीपल। ठीक है, और ये जो सारी डिमांड है काफी नेक्स्ट ईयर तक, मे बी व्हाट आई थिंक इन लाइक 5 to 10 years काफी रहेगी। ठीक है, और जो अलग अदर कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, स्पेशली वियतनाम, फिलीपींस, इन लोगों ने, इन सारी कंट्रीज ने काफी जापनीज लैंग्वेज पे फोकस करके अपने कंट्री के जो लोग हैं जापान से, जो बेसिकली उनके कंट्री से जापान में आके काफी अच्छे जॉब, अच्छे प्रोफाइल वाले जॉब, अच्छे सैलरी वाले जॉब उनको मिल रहे हैं। सो व्हाई यू आर वेटिंग? ओके, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, टेक्निकल है, बीकॉम है या बीए है, वो टेक्निकल नॉलेज, और अगर आप जापनीज सीखते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाता है। ठीक है, प्लस आपको मैक्स स्कॉलरशिप जैसे स्कॉलरशिप मिलने के लिए जापान आपको बहुत हेल्प करता है। सो आप जो करियर कर रहे हो अभी वो तो कीजिए, प्लस उसमें एक एडिशनल एड ऑन कीजिए, प्लस जापनीज का थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए, देखिए आपके करियर में कितना ज्यादा, कितनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाएगी। सो एट द एंड मुझे यही कहना है कि अगर आपको ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आता है, ओके, इफ यू कैन गेस, सो एक बिस्किट है जो कि चाय में डूबी हुई है, और इसका मीनिंग ये है, एन अपॉर्चुनिटी इज लाइक अ बिस्किट डिप्ड इन अ टी, अ लिटिल डिले एंड इट्स गॉन। ओके, सो अपॉर्चुनिटी अभी काफी कम टाइम के लिए है, सो जैसे ही आप बिस्किट डिप में करते हो और बिस्किट टी में डिप करते हो और बिस्किट खो जाता है अंदर, वैसे ये अपॉर्चुनिटी है। सो यही टाइम है, अभी टाइम है, जापनीज सीखिए और अपने करियर को एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ओपन किए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गेट योर सीट रेडी फॉर लर्निंग जापनीज। जापनीज अगर सीखना है तो कितना टाइम लगेगा आपको जापनीज सीखने के लिए? तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जापनीज लैंग्वेज में 5 levels है, 5, 4, 3, 2, 1। सो 5th level बेसिक लेवल है, जैसे ही आप 5 से 4 जाते हो, 4 से 3 जाते हो, 2nd से 1, तो उससे वो लैंग्वेज हार्डर हो जाती है, हार्डर एज इन आपका सिलेबस बड़ा हो जाता है। सो द मोर नॉलेज यू गेन, फॉर एग्जाम्पल N3 या N4 तक आप जाते हो, सो यू विल हैव बेटर चांस ऑफ गेटिंग जॉब इन जापान। ओके, सो आपको कितना टाइम लग सकता है, ये डेटा भी विकीपीडिया से लिया है, बहुत ऑथेंटिक डेटा है। सो N5 के लिए आपको लग सकता है एक 325 to 600 hours। सो यहाँ पे मैंने लिखा है नो प्रायर कांजी नॉलेज। सो व्हाट डज दैट मीन? हम जैसे इंडिया कंट्री जो है, इंडिया कंट्री के जो लोग हैं, जिन लोगों को कांजीज मतलब वो जैपनीज में एक जो स्क्रिप्ट है, राइटिंग स्क्रिप्ट, अगर उसको वो पता नहीं है, तो जनरली उसको 325 to 600, सो ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं 400-450 के आसपास आपको टाइम लग सकता है N5 सीखने के लिए। सेम गोज फॉर N4, N4 के लिए 575 to 1000 hours आपको लग सकते, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, हाउ मच यू एलोकेट एंड हाउ मच विथ फोकस यू डू इट। N3 के लिए 950 to 1700, N2 के लिए 1600 to 1800, ओके।
एंड लिस्ट गोज ऑन। तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। और जापनीज जो एग्जाम होती है, जो एक्चुअली JLPT उसको बोलते हैं, जापनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो जापान गवर्नमेंट कंडक्ट करता है इंडिया के कुछ मेन सिटीज में, तो वो ईयरली ट्वाइस कंडक्ट की जाती है। सो वो कब होती है कि जुलाई के फर्स्ट वीकेंड पे और दिसंबर के फर्स्ट वीकेंड, एज इन दिसंबर का फर्स्ट संडे और जुलाई का फर्स्ट संडे, इन दोनों दिनों पे वो एग्जाम होती है। और अच्छी चीज ये है JLPT के बारे में, अगर आप N5 देते हो और आप लेट से बिकॉज ऑफ सम इश्यूज यू आर नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम, सो आपके पास स्टिल ऑप्शन है, यू कैन गिव एन N4 एग्जाम विदाउट पासिंग N5 एग्जाम। सो यू कैन डायरेक्टली अपियर फॉर N4। ऑफकोर्स आपको N5 का स्टडी या N5 का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप N4 क्रैक कर सकते हो। सो इवन इफ यू डिडंट गेट टाइम टू स्टडी फॉर वन पर्टिकुलर लेवल, सो यू कैन स्टडी फॉर नेक्स्ट लेवल, सो लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक जापनीज आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, एक्चुअली जापान ने रिसेंटली एक स्टार्ट किया है कि नैट एग्जाम, NAT नैट एग्जाम, जो आफ्टर 2 मंथ्स होती है। तो जिन लोगों को अगर जापनीज की एग्जाम बहुत जल्दी देनी है, लेट से 6 जुलाई में एग्जाम दी आपने और दिसंबर में आपको वेट, दिसंबर तक 6 महीने अगर वेट करना पड़ रहा है ड्यू टू JLPT एग्जाम, JLPT एग्जाम के लिए, तो उसके लिए जापान गवर्नमेंट ने अभी 2-2 महीने के बाद नैट नाम की एग्जाम है, वो भी सिमिलर टू JLPT है, वो भी आप दे सकते हैं अगर आपको जल्दी सर्टिफिकेशन चाहिए। सो जॉब के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन जरूरी है, मिनिमम आपको मैं बोलता हूँ कि N4 तो आना ही आना चाहिए, और अगर आपको बहुत अच्छी जॉब बहुत अच्छी सैलरी भी चाहिए तो आपको N3 आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं रेकमेंड करता हूँ अभी के टाइम में एटलीस्ट N4 या N3 विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सो इन दोनों में से कोई भी लेवल अगर आप करते हो तो जापान में जॉब मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 101% हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आप इंस्पायर हो चुके होगे टू लर्न जापनीज। सो जापनीज कहाँ पे सीखना है और कैसे सीखना है, ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं जस्ट आपको इस वीडियो के एंड में अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो अगर आपको जापनीज सीखना है तो ये चैनल जापनीज विद पूनम, यहाँ पे आपको कुछ भी पे करना नहीं है, आपको फ्री में फर्स्ट बेसिक लेवल ऑफ जापनीज कोर्स पूरा मिल जाएगा इस चैनल पर। अगर आप बने रहते हो तो पूरा बेसिक कोर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और आपको अगर एडवांस कुछ चीजें सीखनी है सो वी हैव क्रिएटेड ऐप जापनीज विद पूनम, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वहां पे आप कोर्सेस ले सकते हो। लेकिन अगर आपको जस्ट जापनीज क्या है, कितना टाइम लग सकता है जापनीज सीखने में, अगर आपको बेसिक जापनीज भी लर्न करना है सो उसके लिए एक कोर्स अवेलेबल है बेसिक जापनीज इन जस्ट 2.5 आवर्स। सो आप 2.5 घंटे में जापनीज बोलना सीख सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी कोर्स है पूरा हिंदी में, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और ये लिमिटेड ऑफर है बस 50 स्टूडेंट्स के लिए। आपको एक कूपन कोड यूज करके अगर आप अवेल करते हो तो बस 99 रुपीज में आपको वो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट स्टार्ट लर्निंग जापनीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।